हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सिंह। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अगर हड्डी बार बार टूटती है, फ्रैक्चर होता है, और कुछ लोगों में ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा है कि जरा से भी रनिंग करी या कहीं भी जो है हड्डी टूट रही है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, या फिर जो है बढ़ती उम्र के साथ साथ भी जो है फ्रैक्चर होना कॉमन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हड्डी कमज़ोर होती है या हड्डी जो एक तरह से घुन जाती है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या बचाव होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक जो है हड्डी की प्रॉब्लम है। तो हड्डी जब बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ, ये एक मुख्य जो है एज फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादातर लोगों में जो है बढ़ती उम्र के साथ साथ होता है। अब सेकंड बात करें, लेडीज़ों में ये समस्या कॉमन होती है 40-50 ईयर से ऊपर, क्योंकि उसमें मेनोपॉज की समस्या जो होती है, तो ये प्रॉब्लम जो है मेनोपॉज की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती है, या हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर जो है चेंजेस के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम लेडीज़ों में और जेंट्स में जो है 50-60 साल से ऊपर के लोगों में कॉमन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो स्पोर्ट्स के व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर खेल रहे कूद रहे होते हैं, तब जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्या ये समस्या जो है ऐसी उन लोगों में क्यों होती है, कैसे हो जाती है? तो फ्रेंड्स, इसमें एक फैमिली हिस्ट्री भी अगर किसी को रही हो तब भी ये कॉमन होती है उन लोगों में होने को जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री रही होती है, किसी को ये प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस की रही होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस को आम भाषा में कहें तो एक हिसाब से हड्डी का घुन जाना, यानी हड्डी का कमज़ोर हो जाना, हड्डी का जो है घनत्व डेंसिटी जो है उसके बीच में जो होता है हल्के हल्के से जो है छिद्र होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो हड्डी एक तरह से घुनने लगती है। तो हड्डी जब घुनने लगती है तो उसी हिसाब से जो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के भी चांसेस रहते हैं। जी हाँ, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी हो सकती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है। जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको और आगे की और डिटेल में बताऊँ आपको, तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है उसमें जो है बोन एक हिसाब से जो है कमज़ोर होने लगती है, और इसमें कौन फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, जैसे कि आपका रिस्ट का, आपका फोरआर्म का, और आपका जो है रिब्स का, हिप्स का और फीमर्स का, जो हमारी अपर और लोअर लिम में जो है फ्रैक्चर कॉमन हो सकते हैं। जरा सा भी रनिंग करते हैं, जरा सा भी वॉक करी, फिसल के गिर गए, तो देखा होगा आपने ना कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है कूले पे अगर गिर जाते हैं लेडीज या जेंट्स, तो फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों होता है ये? यही होता है कि हमारी हड्डी कमज़ोर होने लगती हैं, विटामिन D3 और हमारे कैल्शियम की डिफिशेंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर जो है कैल्शियम की कमी के कारण, और हमारे जो है पोषक तत्व ये जो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इससे कैसे निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे निजात पाने के लिए हमको प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए, और डेली की दिनचर्या लाइफ स्टाइल को चेंजेस मॉडिफिकेशन करके जो हम अपने काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बच सकते हैं। और तो और फ्रेंड्स, हमको अपने खाने की जो है डाइट में कैल्शियम, विटामिन D3 वाले पोषक तत्व लेने हैं, और आयरन, हरी सब्जियां, पत्तेदार वाली, ये सब हमको खानी है, और हमको डाइट में दूध, मट्ठा, दही, छाछ, ये सब इंक्लूड करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब करके हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। अगर हाँ, हम थोड़ा बहुत भी जो एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तब भी ये जो प्रॉब्लम काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बिस्तर पे काफ़ी लंबे समय तक लेटे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और बेड रेस्ट पे काफ़ी समय तक रहते हैं, तो उन लोगों में भी ये समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर ज्वाइंट में आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, और आपके ज्वाइंट में जो घिस घिस की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, क्रैकिंग वॉइस आती है क्रैपिटस की, तो आप ये संकेत लगा सकते हैं कि हमारे ज्वाइंट में या कैल्शियम की कमी है, या फिर जो हमको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस मामले में हमको चिकित्सक को आवश्यक दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके एक कैल्शियम की जांच के लिए डेक्सा स्कैन जो है एक रिपोर्ट होती है, जो कि इमेजिंग रिपोर्ट होती है, इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छे से जो है
कैल्शियम की डिफिशेंसी के बारे में जो है इसमें मालूम पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है फ्रैक्चर से जुड़ी या फिर आपको जॉइंट से जुड़ी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और आने वाले वीडियो में आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए एक्सरसाइजेस के बारे में आपको यूनिक वीडियो बना के दूंगा। तो आप उन वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मुझसे जुड़ना चाहते कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में, वो फेसबुक पेज पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्रोफाइल पे, और ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में। जो आई बटन एंड स्क्रीन कार्ड पे वीडियो आ रही है सबको देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।